ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं आईएएस की फैक्ट्री और पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। यहाँ छात्रों का गुस्सा है, उबाल है, नाराजगी है। नाराजगी क्यों है तो वो भी जान लीजिए। नाराजगी है यूनिवर्सिटी की फीस में 400% की बढ़ोतरी होना। हम जानते हैं आप में से बहुत से लोग इस खबर से बेखबर होंगे, क्योंकि देश में चीता है, हिंदू मुसलमान है, तो कभी मदरसों का सर्वे है, तो कभी जात और धर्म से जुड़ी खबर है, मगर इन छात्रों के गुस्से का उबाल पर कोई सुर्खियां नहीं है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में छात्र धरने पर हो आत्महत्या का प्रयास कर रही हूँ, आए दिन प्रशासन के साए में खुद को पाते हूँ और पुलिस की धमकियों से गुजरते हूँ, उस यूनिवर्सिटी का प्रशासन इन छात्रों से बात क्यों नहीं कर रहा? फीस बढ़ोतरी अगर वक्त की जरूरत है और जायज भी है, तो फिर रास्ता तो संवाद से ही निकलेगा, तो फिर जिद क्यों है? क्या जिद्दी विश्वविद्यालय है, प्रशासन, या फिर वो छात्र जो धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? कुलपति के दावे के मुताबिक 100 साल बाद बढ़ने वाली यूनिवर्सिटी की फीस की बढ़ोतरी की दर 400% है, मगर ये वक्त की जरूरत है। कुल मिलाकर फीस में बढ़ोतरी के मसले पर प्रयागराज में माहौल गर्म है। वहीं छात्रों का कहना है कि फीस में बढ़ोतरी के बाद विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि साल 1922 के बाद से विश्वविद्यालय में पहली बार फीस बढ़ाई गई है। इसके बाद भी दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की फीस की तुलना में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस कम है। फीस वृद्धि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो एक बहुत लंबे समय तक चलती है। करीब करीब 10 महीने से एक साल तक का समय लगा है इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में, और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स यूनिवर्सिटी के होते हैं, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स, टीचर्स, द ईसी मेंबर्स, द एसी मेंबर्स, द गार्जियंस, पेरेंट्स, तो सबको हम लोगों ने अवेयर किया, एजुकेट किया, बताया, जस्टिफाई करा है और अपना पक्ष उनके सामने रखा है और एक आम सहमति बनाई है, और उसके बाद हम लोग इन सब डिसीजंस पे आए हैं, जो बाकायदा अलग अलग बॉडीज से पास होके और तब इम्प्लीमेंट होने का निर्णय हुआ है। तो ये प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसको हमने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए, संस्था को आगे ले जाने के अपने प्रयासों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक निंदनीय फैसला आया है कि 400% फीस में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। क्या ये बढ़ोतरी जायज है? क्या जो गरीब घराने का बच्चा दिन रात मेहनत कर सरकारी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेता है और वो ये एक सपना लेके दाखिला लेता है कि वहां पे पढ़ाई अच्छा मिलता होगा, वहां शिक्षा अच्छी मिलती होगी और हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार को पैसे भी कम लगेंगे और हम अच्छे तरीके से शिक्षित भी हो पाएंगे, वो यही एक सपना लेकर वहां पढ़ने जाता है, और जब उस सपने को चूर चूर कर दिया जाता है 400% फीस में बढ़ोतरी करके, ये घोर निंदनीय फैसला है। मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ और मैं समझता हूँ आपको इसमें अपने राजनीतिक मत को दूर कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए और आपको भी ये मांग करनी चाहिए कि वहां पे फीस उत्पीड़न खत्म होना चाहिए, फीस वापस से जितना था उतना कर देना चाहिए। हमारी मांग जो है वह सिर्फ स्पष्ट है, 400% वृद्धि जो बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जो इस तरीके का बेबुनियाद फीस वृद्धि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आम छात्रों के ऊपर लगाई गई है, इससे आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश से आने वाले ऐसे हजारों छात्र हैं जो कि शिक्षा से सीधे वंचित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की यही विचार भी रहा है कि जहां से भी ग्रामीण परिवेश से आने वाले, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, उनको किस प्रकार से प्रथम पंक्ति में न आने दिया जाए, यही इनकी कसूर से ही रणनीति रही है। आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय वह
स्थान है। आप यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र पूर्वांचल का होता है, बुंदेलखंड का होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होता है और आप देखेंगे समीपवर्ती बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। दोनों ही अपनी जिद पर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन 100 साल के बाद फीस बढ़ाने का हवाला दे रहा है तो छात्रों का कहना है कि गरीब छात्रों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना ही रास्ता है जो निकल रहा है, ना ही संवाद हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस अधिसूचना में क्या क्या है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बीए की फीस 975 रुपए से बढ़ाकर 3901 रुपए कर दी गई है। हालांकि ये बिना लैब वाले विषयों के लिए है। बीए के जिन विषयों में लैब वर्क शामिल है उनकी फीस 4115 रुपए कर दी गई है। बीएससी के लिए फीस 1125 रुपए से बढ़ाकर 4151 रुपए कर दी गई है। बीकॉम की फीस भी 975 रुपए थी जो अब बढ़ाकर 3901 रुपए कर दी गई है। एमएससी की फीस 1861 से बढ़ाकर 5401 रुपए हो गई है। एमकॉम की फीस 1561 से बढ़कर 4901 है। एलएलबी की फीस 1275 से बढ़कर 4651 है। एलएलएम की फीस 1561 से बढ़ाकर 4901 और पीएचडी के लिए फीस 501 से बढ़ाकर लैब वाले विषयों के लिए 15800 और बिना लैब के विषयों के लिए 15300 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि बाकी दूसरे कई यूनिवर्सिटी से ये फीस अब भी कम है। पहले आपको बताते हैं कि सालाना कितनी फीस बढ़ी है, फिर एक नजर डालेंगे कि बाकी यूनिवर्सिटी में सालाना कितनी बढ़ी फीस। तो 975 रुपए की जगह सालाना 3901 रुपए, प्रैक्टिकल फीस 145 से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई है। एमएससी की फीस 1861 से बढ़ाकर 5401 कर दी गई है। एमकॉम की फीस 1561 से बढ़ाकर 4901 कर दी गई है। एलएलबी की सालाना फीस 1275 से बढ़ाकर 4651 कर दी गई है। वहीं पीएचडी की सालाना फीस 501 से बढ़ाकर 15300 रुपए कर दी गई है। बीए की फीस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 12124 रुपए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 10000 रुपए, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 5000 रुपए, यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा 6000 से ज्यादा, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल 9000 रुपए से ज्यादा। बीएससी की फीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बढ़ी हुई फीस 4151 रुपए हो गई है। बीएचयू में 4400, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 13000 कुछ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी 17000 कुछ है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में 6000 कुछ है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 12000 कुछ है। वहीं बीकॉम की फीस, एयू की फीस 3901 रुपए है। बीएचयू में यही फीस 3420 है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में 6000 समथिंग है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 12000 कुछ है। एमए की फीस एयू में 4901, बीएचयू में 4620, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 10000 कुछ है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 13340 है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 7388 है, यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में 11332 है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में 12640, यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में 7120। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं सियासी दल भी सूबे की योगी सरकार पर हमला बोलने से बाज नहीं आ रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक मुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है वो अनुचित है, निंदनीय है। यूपी सरकार को अपनी निरअंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और बीएसपी की ये मांग है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को इलाहाबाद में छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचा था। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। अब ऐसे में सवाल है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और छात्र यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिद में छात्रों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ करता रहेगा?